देखिए, राहत इंदौरी साहब का ना एक बड़ा मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद, जहाँ एक के बाद एक जांच का सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार कोचिंग सेंटर्स में चल रहे खेल का खुलासा होना भी शुरू हुआ। एक के बाद एक कोचिंग सेंटर्स जद में आने लग गए। दिल्ली में ही 30 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील किया गया और 200 को नोटिस थमाया गया है और जांच का जो दायरा है वो दिल्ली से भी बाहर अब निकल रहा है। दिल्ली के साथ साथ बिहार में कोचिंग सेंटर्स की जांच हो रही है। इसी बीच पटना में मशहूर खान सर का कोचिंग सेंटर भी जांच के दायरे में आया। जांच शुरू हुई तो उसका अंजाम क्या हुआ ये समझने के लिए दो तस्वीरें काफी है। एक तरफ आपको खान सर के साथ कुछ अधिकारी दिखाई देंगे, दूसरी तरफ जरा देखिए उनके इंस्टीट्यूट पर लटका हुआ बड़ा सा ताला। अब हुआ क्या है ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। पहली तस्वीर कल यानी कि 30 जुलाई की, पटना में एसडीएम की टीम खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जांच के लिए पहुंची। पटना के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर दल बल के साथ खान सर के कोचिंग सेंटर में जायजा लेने पहुंच गए और जांच के दौरान खान सर ने दस्तावेज दिखाने के लिए एक दिन का वक्त मांग लिया। अगले दिन क्या हुआ ये भी जरा देखिए। अगले दिन इंस्टीट्यूट के बाहर ताला लटका हुआ नजर आया। ये ताला बोरिंग रोड ब्रांच कोचिंग में लटका हुआ नजर आया, यानी कि दस्तावेज दिखाने का जब वक्त आया तो कोचिंग सेंटर को ताले में कैद करके खान सर निकल लिए। कोचिंग में हुए हादसे को लेकर के अब पटना के कोचिंग सेंटर्स में भी अब पटना के जो टीम्स है, पटना डीएम ने जो टीम गठित की है वो टीम पटना के भी कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रही है। इसी क्रम में हम पटना के खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हैं। डीएम ने, जिलाधिकारी ने जो टीम गठित की थी उसने रिपोर्ट्स जो है वो जो दिए सौंपे उसमें बहुत कोचिंग सेंटर्स नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, लेकिन ये खान सर कोचिंग, सुनिए आप लोग, इसका कारण नहीं बताया गया सर। अच्छा, से बंद है कल से सर। पहले यहाँ पे कब, मतलब इसके पहले कोचिंग चल रहा था? हाँ सर, कोचिंग चल रहा था। जी आते हैं, कभी कभी आते हैं। यहाँ पर इस समय जिलाधिकारी के द्वारा गठित टीम जो है वो जांच कर रही है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कैसे यहाँ पर उन नियमों को ताक पर रखकर पढ़ाई करवाए जाते हैं। एग्जिट गेट्स का जो है वो यहाँ पे कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि अगर आपातकालीन स्थिति में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और कोई ऐसी अनहोनी होती है तो बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इसी को लेकर के लगातार पटना में भी कोचिंग सेंटर्स में जांच किए जा रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि खान संघ के कोचिंग सेंटर्स में भी टीम पहुंची थी और अब उन सभी कोचिंग सेंटर्स में ताले लगा दिए गए हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, 12:24 पटना। अच्छा देखिए, दरअसल पटना में कोचिंग संस्थानों की जांच मंगलवार से ही की जा रही है। जांच के सिलसिले में खान सर की कोचिंग में भी खामी पाई गई है। पटना के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर टीम के साथ कई कोचिंग संस्थानों का जायजा लेने पहुंचे। वो खान सर के जीएस रिसर्च सेंटर पहुंचे थे। मिली जानकारी के मुताबिक पहले तो खान सर ने कर्मचारियों ने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में पूरे कोचिंग सेंटर की जांच की गई। अब तक लगभग 30 कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा चुकी है, जिनमें कई कोचिंग सेंटर तो ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोचिंग सेंटर में फायर सिस्टम का होना अनिवार्य बनाया गया है, जो कि ज्यादातर संस्थाओं के पास नहीं मिला। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि दिल्ली के जैसे हादसे को टालने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये निर्देश हम लोग विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि, हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो का जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। इसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है।